शादी में फजूल खर्ची बंद करो। मैं कहता हूँ जलसे की भी तो बंद करो ना, एक एक मुकर्रर को आप 20-20 हार पिनाते हो। मैं तो लोगों से कहता हूँ जिस कौम की औरतें बुर्का पहन करके सिग्नलों पे भीख मांग रही हो, अगर उस कौम का खतीब एक एक जलसे में 40-40 हार पहनता है तो पहनाने वाला भी क्या जवाब देगा अल्लाह को, पहनने वाला भी क्या जवाब देगा अल्लाह। आपने तरजीहात का ख्याल नहीं किया, और वो 40 हार और 10-10 हार पहन करके कौन से सुरखाब के पर लग जाने हमारे अंदर। और सुनियो तुमसे कहता हूं, जहां खर्च करने की बात आती है वहां खर्च करते क्यों? क्या यही खर्च करने के लिए है कि पीर के मजार पे 1,00,000 रुपए की चादर चढ़ा दोगे तो पीर खुश हो जाएगा? 1,00,000 की चादर चढ़ाने की बजाय 1,000 की चढ़ा, 1,000 की बजाय 100 की चढ़ा, और बकिया जो पैसा बचे वो मोहल्ले के किसी यतीम की फीस भरने पे लगा दे अपने पीर के इसाले सवाब के लिए। अपनी कौम को ऊपर उठाओ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत की फलाह के लिए उसने कोई मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मिंबर नहीं। इस तरफ क्यों नहीं बढ़ते, एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? लेकिन बात फिर कह रहा हूं, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, सब बनाओ, लेकिन पहले उसे मुसलमान बनाओ। सुभान अल्लाह, उसके दिल में ईमान पैदा करो, इश्क रसूल पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो, उसके अंदर दीनी गैरत पैदा करो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा कुछ भी बन जाएगा निजात नहीं बनेगा तुम्हारे लिए उस वक्त तक जब तक वो मुसलमान न बने। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए थे, इमाम गजाली लिखते हैं याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए थे तो आपकी उम्र 10 या 11 साल की थी, और जब मिले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 60 या 61 साल की थी, यानी ठीक 50 साल के बाद अपने बाप से मिले यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो जब मिले ना तो यहूदा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा भाइयों से, मैं भेड़िए के खाने की गमनाक खबर लेके अब्बा पास पहुंचा था और अब्बा को गमगीन किया था, तो यूसुफ जिंदा है, इस खुशी की खबर लेकर मैं अब्बा पास पहुंचूंगा, ताकि गम की खबर दी थी तो खुशी की खबर भी मैं ही दूं। तो जब हजरत यहूदा आए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास और आकर के कहते, अब्बा मुबारक हो, मुबारक हो, आपका यूसुफ तो जिंदा है और वो मिस्र का बहुत बड़ा शान वाला बादशाह है। सोचो जो बेटा 50 साल के बाद मिले, जिंदा मिले, बादशाह की शक्ल में मिले, उस बाप को कितना खुश होना चाहिए। लेकिन वारे मोमिन की सोच, वारे अंबिया की सोच, वारे मुसलमानों की सोच, क्या सोच दे रहे हमारे बुजुर्ग हमें? हजरत याकूब कहते यहूदा चुप, मुंह बंद कर, तू बोलता है वो जिंदा है, बादशाह है, मैं ये नहीं सुनना चाहता, पहले मुझे ये बता कि वो मुसलमान है या काफिर हो गया। सुभान अल्लाह, वो मेरे मजहब पर है या मेरे मजहब से फिर गया? बादशाह का बाप होना मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं है, अगर मेरी औलाद मेरे मजहब पर है तो ये मेरे लिए फख्र की इसकी फिक्र हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था मेरे अजीज, तो सबके लिए टाइम निकालता है ना, रब के लिए तो टाइम नहीं निकलता, 10 मिनट ये तेरी मैयत में नहीं आते, और आते भी तो मनो मिट्टी के नीचे तुझे दबा के चले जाते हैं, फिर तुझे याद भी, लोग तो हंसते हुए आते हंसते हुए चले जाते, बल्कि सगे दोस्त, अरे महामारी कोरोना की बता रही, कोई अपना नहीं, बाप की मैयत में बेटा नहीं गया, भाई की मैयत में भाई नहीं गया। बड़ी माजरत के साथ रिश्ते मशकूक करने नहीं आया, लेकिन ये हमने सुना देखा भी, अगर शौहर को कोरोना हुआ तो बीवी भी बिचकती थी। मेरे एक साथी, मेरे दोस्त, हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के रुख, हमारे मुबल्लिग मुंबई में, वो मरीजों को जिस हालत में मर जाते थे गुसल देते थे, और उन दिनों तो ऐसा हो गया था कि आदमी किसी भी मर्ज में मरे लोग तो उसको कोरोना में डाल रहे थे। अजीब आजमाइश थी, इम्तिहान था, क़यामत से पहले लोगों ने क़यामत का सुगरा देखी, कोई किसी का पुरसान याद नहीं, नफसी नफसी कालम, अल्लाह अकबर क्या हुआ? कहते हो मुझे उन्होंने बताया कि मैं एक मैयत को गुसल देने गया और डॉक्टरों ने उसको कोरोना डिक्लेयर कर दिया। मैंने जब वो उसको गुसल देना शुरू किया
तो मैंने मैयत के बेटे से कहा, भाई मैं गुसल दे रहा हूँ लेकिन अकेला दे नहीं पाऊंगा ना, तो आप जरा लोटे से पानी डाल दो। बेटा क्या बोलता है, कहता है मौलाना मेरे छोटे छोटे बच्चे रुपये तो रहे ये, हाँ दुनिया इतनी बेवकूफ है, इनसे दिल लगाए बैठे, इनके लिए घंटों निकाल रहे हो, और वो रब जिसकी रहमतें जमीन के ऊपर भी काम आ रही है, जमीन के अंदर भी जिसकी रहमत काम, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकालते नमाज के लिए। बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो तुम्हारी सुबह 5 बजे आँख खुलती है, फजर के लिए क्यों आँख नहीं खुलती? जो कौम स्कूल से ज्यादा अल्लाह के सजदे को अहमियत न दे, वो कौम इज्जत के साथ जमीन पे कैसे जिएगी? तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात फिर दूर निकली, मेरी मजबूरी ये है कि मैं थोड़ा सा स्टॉप लेते हुए चलता हूँ। तो अर्ज कर रहा था कि हुजूर कह रहे हैं रब्बे अपनी उम्मत, यही बात चल रही, रब्बे अपनी उम्मत। अब हुजूर हम खुश हो गए, हुजूर हमें बख्शवाए हैं। अब सुनना, नमाज न पढ़ने वालों, सजदा न करने वालों, इबादत के लिए टाइम न निकालने वालों, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस क्या है, जिसने नमाज छोड़ दी मैं उससे बेजार, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। अब सोचो कयामत के दिन तो सबको हुजूर की खैरात लेनी है, कयामत के दिन तो सबको हुजूर की खैरात लेनी है, हुजूर से शफात की भीख सबको लेनी है। अब सोचो नमाज फजर में बिस्तर पे पड़े रहने वालों, नमाज जोहर में कारोबार में डूबे रहने वालों, नमाज छोड़ करके खेल कूद में लगे रहने वालों, अल्लाह अकबर, कयामत का दिन हुजूर से शफात मांगने गए और अल्लाह न करे 1000 बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए कि हुजूर ने फरमाया कि नादान तुझे पता नहीं था, तुझे मालूम नहीं था कि मैंने दुनिया में कहा था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ना करे मुंह फेर लें, उनके करम से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो मुंह फेर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, वो करम वाले हैं तो वो गैरत वाले भी हैं, उनके करम से उम्मीद है और ये उम्मीद रहनी भी चाहिए, लेकिन उनकी गैरत से डरते रहो। जिगर मुरादाबादी कहते हैं नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, उनका करम बहुत बड़ा है तो उनकी गैरत बहुत नाजुक है, वो जल्दी से मुंह भी फेर लेते हैं और प्यारों से तो जल्दी फेरते हैं, चहीतों से तो जल्दी फेरते हैं, बड़ा नाजुक मामला है उस बारगाह अर्श मकाम का। अगर आप सोचते रहें कि नमाज न पढ़ूंगा फिर भी बख्शा जाऊंगा, अल्लाह करे बख्शे जाओ, लेकिन बायाद रखना, हमारे इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो नमाज में सुस्ती करता है, डर है कि मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, डर है कि मरते मरते उसका ईमान छीन लिया जाएगा, इसलिए लोगों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों के साथ बेवफाई ना करो। अल्लाह अकबर, फरमाया गया कि जब लोग मस्जिद तामीर करते हैं मस्जिद बनाते हैं, जब लोग मस्जिद तामीर करते हैं मस्जिद बनाते हैं और बस्ती के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, मस्जिद आबाद करने के लिए नहीं जाते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करती है, ए अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे, तो उनको तबाह व बर्बाद कर दे। सोचो जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो वो कौम के घर कैसे आबाद रहेंगे? तो हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। अगर ये सोचते हो ना, ये सोचते हम जो करे जन्नती है और वो मुंह फेर ले, तो अगर मुंह फेर कहां जाओगे, किसके पास जाओगे, किसकी दुहाई दोगे, किसके पास दस्तक दोगे? मेरे इमाम तो कहते हैं सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सिर्फ उनका सहारा है। अगर वो भी मुंह फेर ले और वो अपने चहीतों से जल्दी नाराज होते हैं, ये भी सुन लेना, आपने हदीस नहीं पढ़ी, एक सहाबी उन्होंने बगैर जरूरत के मस्जिद से ऊंचा मकान बनाया, सरकार गुजरे पूछा किसका मकान है, किसका मकान है, फुला का,
कुछ नहीं कहा, मौजूद नहीं थे कुछ नहीं कहा, जब वो आए सलाम किया मैं कह लिया, दूसरी तरफ से आए सलाम किया वो फेर लिया, पूछा जाने कायना रूहे कायना मुझसे नाराज क्यों है, तो किसी ने कहा आपके घर को हुजूर ने देखा तो मस्जिद से ऊंचा बिला जरूरत इसलिए हुजूर नाराज है। वो गए और शाम होने से पहले पूरा घर तोड़ के जमीन के बराबर कर दिया कि जिससे हुजूर नाराज हो वो रख करके मैं क्या करूंगा। और उसके बाद जब आए सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब दिया। आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मस्जिद से ऊंचा घर बन जाए उनसे मुंह फेरा जा सकता है, किससे? सहाबी से। हमारे अंदर कौन सी खूबी है? दाढ़ी मुंडाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे कटू में, और हमसे मोहब्बत होती रहेगी? कुछ तो सोचा होता। एहसान का बदला कुछ दे नहीं सकते।